न्यूक्लियर फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए युकावा साहब ने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं युकावाज मैसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस एक्चुअली 1935 में युकावा प्रोडिक्टेड ए न्यू पार्टिकल कॉल्ड पाई मैसोन पाई मैसोन एंड हेल्ड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज युकावा साहब ने कहा ये जो पाई मैसोन पार्टिकल है वही रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए क्या होता है ये मैसोन द रेस्ट मास ऑफ ए पाई मेसॉन इज अबाउट टू हंड्रेड टाइम्स द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू हंड्रेड टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है बट लेस देन द मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से पाई मेसॉन का मास कम होता है द मेसॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज एंड अनचार्ज यानी पाई प्लस पाई माइनस एंड पाई जीरो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज मेसॉन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये जो प्लस या माइनस है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसके बराबर होते हैं अब देखिए तो कुल मिलाकर आप कहेंगे कि पाई मैसौन और ये तीन टाइप का होता है पाई प्लस पाई माइनस पाई ज़ीरो और इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के मास से 200 टाइम्स ज़्यादा लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम होता है और जो चार्ज है इसका वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है अब देखिए युकावा साहब ने क्या कहा अकॉर्डिंग टू युकावा देर इज ए क्लाउड ऑफ पाई मेसॉन्स अराउंड एवरी न्यूक्लियन चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो दिस इज इंपॉर्टेंट युकावा ने क्या कहा कि देर इज ए क्लाउड ऑफ पाई पाईमेसॉस देर इज ए क्लाउड ऑफ पाई पाईमेसॉन्स अराउंड एवरी न्यूक्लियन और चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो उसके ऊपर पाई पाई मैसॉन्स का बादल होता है द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ओनली ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मेसॉन क्लाउड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो फर्क होता है वो जो मेसॉन के बादल छाए रहते हैं उन पर डिपेंड करता है अराउंड देम तो ये ध्यान रहे कि साहब ने कहा कि पाई मेसॉन्स के बादल जो है हर एक न्यूक्लियन पर छाए रहते हैं चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो और दोनों में डिफरेंस सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से होता है देर इज ए कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ पाई मैसॉन्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ड्यू टू विच दे कंटिन्यू टू बी कन्वर्टेड इन टू वन एन यानी उनके बीच पाई मेसॉन्स का एक्सचेंज होता है तो एक एक दूसरे में बदलता रहता है यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अब देखिए मिकेनिज्म क्या है व्हेन ए पॉजिटिव मेसॉन जम्प्स फ्रॉम ए प्रोटॉन टू ए न्यूट्रॉन द प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू ए न्यूट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन इज़ कन्वर्टेड इन टू ए प्रोटॉन जैसे मान लीजिए प्रोटान है तो जो पॉजिटिव पाईमेसॉन का बादल जो है यहाँ पर है तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पर जब ये पॉजिटिव पाएमेसॉन छा गया तो ये बन ये दिखाई पड़ेगा कि ये प्रोटान है यानी प्रोटॉन प्रोटॉन पर मेसॉन निकल गए तो ये दिखाई पड़ेगा कि न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव मेसॉन आ गए तो ये लगेगा कि ये अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन है ठीक उसी तरह कन्वर्सली व्हेन ए निगेटिव मेसॉन जम्प्स फ्रॉम ए न्यूट्रॉन टू ए प्रोटॉन द न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इंटू प्रोटॉन एंड द प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इंटू न्यूट्रॉन इस इक्वेशन में देखें कि न्यूट्रॉन से एक निगेटिव पामेसॉन हट गया तो अब ये न्यूट्रॉन proton में कन्वर्ट हो गया और वही निगेटिव पामेसॉन अगर प्रोटॉन पर आ गया प्लस का मतलब आ गया तो अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं बल्कि न्यूट्रॉन नजर आएगा तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव और निगेटिव पाइमे का एक्सचेंज होता रहता है और याद रहे कि द एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव पाई किस एंड निगेटिव पाइमेसोन्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज रट लीजिए ये जो एक्सचेंज होता है पॉजिटिव पाई पाइमेसॉन और निगेटिव पाइमेसोन का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच यही मूल कारण है न्यूक्लियर फोर्सेज के उत्पन्न होने का उसी तरीके से सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स एंड बिटवीन टू प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन हमको एकदम से दो प्रोटॉन नजर आने लगे या दो प्रोटॉन हमको दो न्यूट्रॉन नजर आने लगेंगे आने लगे तो ऐसा क्यों होता है दे आर जनरेटेड बाई कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल एक्सचेंज होता है दस द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सिस एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स इसका मतलब कि जो पाईमेसॉन्स है उनका एक्सचेंज होता रहता है और इसी वजह से इन न्यूक्लियर फोर्सेस का एक नाम और रखते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड द एक्सचेंज फोर्सेस तो ध्यान रहे साहब आपकी थ्योरी है न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कि पाईमेसॉन होता है तीन तरह का पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल और ये इनके बादल छाए रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर यही फर्क होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में और ये एक्सचेंज होता है पाईमेसॉन्स का कैसे होता है? हमने आपको बताया कि प्रोटॉन से ये गया तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पर ही आ गया तो प्रोटॉन नजर आता है एक्सचेंज होता है एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाई मेसॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज फोर्सेज